भी 110 पावर टूल को 220 भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो कि जो हमारी आर्मेचर में से वायर के निकलेगा वो फील्ड कॉइल में यूज़ करना है, उसकी टर्ने क्या कैसे बढ़ानी है वो भी आपको बता दी है, और फील्ड कॉइल और आर्मेचर के अंदर कौन सा वायर के यूज़ करना है, कितने नंबर हमने डाउन आना है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो सरकार वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें भाई, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, कमी बेशी रह गई हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो भी आपकी दूर कर दूं। और भाई अगर किसी भाई को व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में रिप्लाई ना मिले तो परेशान ना हुआ करे यार, वर्कशॉप में काम करना और साथ में ये सारा कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ले जनाब वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मजीद रान अहमद, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्मेचर रिमाइंडर। तो ले जनाब आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक एयर ब्लोअर है जनाब, ठीक है जी, कौन सी कंपनी का है आप देख सकते हो जी, मकीटा का है, ठीक है जी, 4014 इसका जो है ना मॉडल नंबर है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये जनाब 120 वोल्ट में, 127 वोल्ट का है, ठीक है जी, ये 127 वोल्ट का है और इसको जनाब हमने चलाना था 220 पे, ठीक है जी। तो 220 पे चलाने के लिए जनाब कोई भी पावर टूल है, कोई भी किसी भी कंपनी का पावर टूल है जनाब आपका, आप उसे चाहते हो उसे अगर 220 पे चलाना है, हाँ आपको रिवाइंडिंग तो उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, फील्ड कॉइल भी रिवाइंड करनी पड़ेगी और आर्मेचर भी रिवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसमें कई चीज़ें होती हैं जो लोगों ने ये रेक्टिफायर लगा के ना चलाई होती हैं, ठीक है, तो इसके साथ भी वो आर्थिक तौर पर चल जाती है, लेकिन परमानेंट जो हल है मेरी सरकार वो यही है कि आप इसको रिवाइंड करो। अब जनाब देखो ये मैं रिवाइंड कर चुका हूँ, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से रिवाइंड हो गया आर्मेचर भी, और मकीटा चूँकि मकीटा का हिटाची का फार्मूला सेम होता है इसलिए मैंने हिटाची वाले फार्मूले पे और मकीटा वाले फार्मूले पे इसे रिवाइंड किया है। इसकी ओरिजिनल जो टर्न निकलेंगी आपने वो काउंट कर लेनी है, ठीक है जी। अब इसकी फील्ड कॉइल की भी टर्न जो है वो आपने निकालनी है, जो वो काउंट कर लेनी है, और इसकी जो आर्मेचर में से भी ओरिजिनल टर्न निकलेंगी 110 की वो आपने काउंट कर लेनी है। ये देखें जनाब इसका जो ओरिजिनल फार्मूला था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये फार्मूला था जनाब हमारा जो 110 वोल्ट का, ये फार्मूला जनाब जो निकला था ये 110 वोल्ट का निकला था। अब जनाब उन्होंने 26 नंबर तार आर्मेचर में यूज़ की है, उसकी 65 टर्नें सिर्फ डाली हैं और 23 नंबर तार की 110 टर्नें डाली हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नंबर भी साथ लिखे हैं, ठीक है जी। जब आप ये फार्मूला निकाल लोगे तो अब आपने क्या करना है जनाब, इसको जाहरी सी बात है नज़र आ रहा है कि 110 है, इसे 220 पे चलाना है तो इस फार्मूले को डबल अप कर लेंगे। ये देखें जनाब अब हमने इसे कन्वर्ट करना है जी 220 पे, ठीक है जी, 220 पे कन्वर्ट करने के लिए इसी फार्मूले को हम डबल अप करेंगे, ठीक है जी। 65 टर्ने थी तो 65 जमा 65, ठीक है जी, इसे हम करेंगे तो जनाब हमारा हो गया 130, ये हमारी टर्नें जनाब आएंगी आर्मेचर में 130, और फील्ड कॉइल में डबल अप करेंगे तो जी ये देखें हमारी 110 प्लस 110, ठीक है जी, ये आ गई हमारी जनाब 220, ये हमारी आएंगी अब फील्ड कॉइल में, ठीक है जी, ये आ गई जी आर्मेचर की और ये आ गई जनाब हमारी फील्ड कॉइल की, ये टर्नें आ जाएंगी। सर बारी आ गई हमारी वायर गेज की कि हम ये तो टर्नें निकाल ली हैं, अब हम वायर गेज जो इसका वो कैसे निकालेंगे। ये देखें जनाब आपको वायर गेज के लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि 26 नंबर निकला था हमारा आर्मेचर में से, इन आर्मेचर जनाब हमारा पहले जो यूज़ हुआ था वो 26 नंबर था, ठीक है जी। अब इन 26 नंबर को जनाब हम जो है ना वो यूज़ करेंगे अपने फील्ड कॉइल में। कोई भी पावर टूल आप चाहते हैं कि हम उसे कन्वर्ट करें 220 पे, ठीक है जी, 110 से जो हमारी आर्मेचर में से निकलेगा वायर गेज, ठीक है जी, जो आर्मेचर में से वायर गेज निकलेगा वो फील्ड कॉइल में यूज़ कर लेंगे, टर्नें डेवलप कर लेंगे। अब मैंने सर देखिए इसकी फील्ड कॉइल चूँकि रिवाइंड कर चुका हूँ, मैंने इसमें 26 नंबर तार की 220 टर्नें जो है ना वो डाल दी हैं, ठीक है जी, 26 नंबर तार की जनाब मैंने 220 टर्न जो है ना वो इसमें डाल दी हैं पर कॉइल में, और कॉइल जनाब 26 नंबर 220 220, ठीक है जी। और अब आर्मेचर का वायर गेज जनाब हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए जी 26 नंबर तार से हम 4 नंबर डाउन आएंगे, ठीक है जी, 26 से 4 नंबर डाउन आएंगे, 26 27
28, 29 और 30, ठीक हो गया जी। इसमें जनाब 26 नंबर हमारा फील्ड कॉइल में यूज़ हो जाएगा, 4 नंबर डाउन आएंगे तो हमारा 30 नंबर निकलेगा, ठीक है जी। जी आगे जी फील्ड कॉइल और जी आगे हमारा आर्मेचर, ठीक है जी। 4220 सर देखें, अब देखें हमारा सिंपल निकला है फार्मूला। फील्ड कॉइल में अगर 26 नंबर यूज़ किया है, 4 नंबर डाउन आएंगे, 30 नंबर हमारा आर्मेचर में यूज़ हो जाएगा। अब मैंने जनाब इसमें 30 नंबर तार जो है ना वो इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। और इसमें टर्नें जो मैंने इस्तेमाल की हैं वो 30-30 इस्तेमाल की हैं, ठीक है जी। यानी कि टोटल मैंने इसमें 120 टर्न जो है ना वो डाल ली हैं, 120 टर्न इन आर्मेचर। ये सर जी मैंने टोटल टर्नें जो है ना वो आर्मेचर में डाल दी हैं, ठीक है जी। आर्मेचर में यानी कि इसकी एक स्लॉट में, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, ठीक है जी, 120 डिवाइडेड बाय 4, तो जी आएगी हमारी 30 टर्न्स पर कॉइल। 30 टर्न्स पर कॉइल जनाब हमने इसमें डाल देनी है, ठीक है जी। तो ये जनाब था किसी भी पावर टूल 210 को 220 में कन्वर्ट करने का फार्मूला।